नमस्कार, लर्न एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट लेकर आए हैं, कितने मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश में और उनका पीरियड क्या रहा है, शॉर्टेस्ट पीरियड वाला चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, लॉन्गेस्ट पीरियड वाला चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, कब कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है एमपी में, ये सारी जानकारी आज हम इस लिस्ट में आपको देंगे, जो कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को रिओर्गनाइज हुआ, बना है आधुनिक मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डेट है, स्थापना दिवस है। इस दिन रविशंकर शुक्ला जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं 1 नवंबर 1956 को, और 31 दिसंबर 1956 तक वो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को उनका डेथ हो गया है, तो कार्यकाल के दौरान उनका डेथ हुआ था, इसलिए जो रविशंकर मिश्रा जो है 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे चीफ मिनिस्टर बी आर मांडलोई रहे हैं, जो कि जनवरी 1957 में 21 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। ये शुरुआती जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के थे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर कैलाशनाथ कारजू हैं, जो कि जनवरी 1957 से मार्च 1962 तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इसके बाद भगवंत राव मांडोली फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 1962 से 63 के दौरान रहे हैं। चौथे नंबर पर द्वारका प्रसाद मिश्रा 1963 से 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसे डीबी मिश्रा लिखा हुआ है, यानी द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं, फोर्थ चीफ मिनिस्टर। और पांचवें चीफ मिनिस्टर गोविंद नारायण सिंह हैं, जीएन सिंह, जो कि 1967 से 69 तक एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पांचवें गोविंद नारायण सिंह। ये एमपी के पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर हैं, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। गोविंद नारायण सिंह पहले कांग्रेसी थे, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़ा डिस्टरबेंस हुआ, तो गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना एक नया पार्टी लोक सेवक दल बनाया, और फिर कुछ दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर इन्होंने एक कॉलिजन, एक गठबंधन सरकार, जो कि संयुक्त विधायक दल के नाम से बनी, और उस संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बने, जो कि कांग्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसी समय, इन्हीं के समय, गोविंद नारायण सिंह के समय पहली बार मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का पोस्ट का जनरेट किया गया, और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो हैं मध्य प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1 साल 255 दिन के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे, एमपी के फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और यही वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो हैं, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बाद में 10वें मुख्यमंत्री बनते हैं 1978 से 1980 तक। जी हाँ, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो हैं मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है मध्य प्रदेश की एग्जाम में, और बाद में ये 10वें मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये उप मुख्यमंत्री बने थे गोविंद नारायण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उनके पीरियड में, और गोविंद नारायण सिंह जो हैं वो मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे गोविंद नारायण सिंह। इसके बाद 6वें नंबर पर नरेश चंद्र सिंह जो है मार्च 1969 से जो है 12 दिन के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और ये सबसे कम समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति हैं। ये कुल जो है 12 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे नरेश चंद्र सिंह। आप देखेंगे 6वें नंबर पर नरेश चंद्र सिंह मार्च 1969 में। इसके पहले आप देखेंगे कि जो भगवंत राव मांडोली थे मुख्यमंत्री दूसरे नंबर के मध्य प्रदेश के, बी आर मांडलोई, ये जनवरी 1957 में बने थे सीएम, ये 21 दिन के लिए बने थे, 21 डेज के लिए थे, यानी कि शॉर्टेस्ट पीरियड वाले जो सीएम है वो एनसी सिंह है मार्च 1969 में, नरेश चंद्र सिंह। इसके बाद 7वें नंबर पर श्यामा चरण शुक्ल जो है 1969 से 72 तक 7वें मुख्यमंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के।
इनके पिता रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये अपने एक प्रकार से हायरार्कल हुआ ये सिस्टम, जो कि इनके मुख्यमंत्री जो श्यामाचरण शुक्ल के पिताजी जो है रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और रविशंकर शुक्ल के बेटे श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री बने हैं 1969 से 72 तक। इसके बाद भी श्यामाचरण शुक्ल जो है तीन बार सीएम बाद में बने हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आठवें नंबर पर प्रकाश चंद्र सेठी जो है ये 1972 से 1975 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी से थे जी हाँ। और गोविंद नारायण सिंह के बाद जो नरेश चंद्र सिंह बने थे ये भी कांग्रेस पार्टी से थे, श्यामाचरण शुक्ल ये भी कांग्रेस पार्टी से थे, और प्रकाश चंद्र सेठी जो आठवें मुख्यमंत्री थे। इसके बाद फिर श्यामाचरण शुक्ल जो है दिसंबर 1975 से अप्रैल 1977 तक जो है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और इसके बाद पहली बार मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक, जो कि 54 डेज के लिए ये प्रेसिडेंट रूल रहा था मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश में अभी तक का सबसे छोटे समय का शॉर्टेस्ट पीरियड का प्रेसिडेंट रूल रहा है 54 डेज का। नौवें नंबर पर कैलाश चंद्र जोशी 1977 से 78 के दौरान 207 दिन के लिए जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं मध्य प्रदेश के। तो इस तरह कैलाश चंद्र जोशी जो है, जो कि नौवें मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो मध्य प्रदेश के सेकंड नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी के फर्स्ट नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर गोविंद नारायण सिंह थे, तो उसी तरह सेकंड नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कैलाश चंद्र जोशी थे, जो कि 1977 से 78 के दौरान जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सेकंड नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर। दसवें नंबर पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, जो कि एमपी के पहले डिप्टी सीएम भी रहे थे, एक साल 255 दिन के लिए गोविंद नारायण सिंह की चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान। तो ये दसवें नंबर पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये जनता पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बने थे, दसवें चीफ मिनिस्टर। ग्यारहवें नंबर पर सुंदरलाल पटवा जो है फरवरी 1980 के दौरान 28 डेज के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं सुंदरलाल पटवा। ये दूसरी बार मार्च 1990 से दिसंबर 1992 के लिए दूसरी बार भी बीजेपी से ये सीएम बने थे, यानी पहली बार 11वें नंबर पर ये सीएम हैं, और तब उस समय ये जनता पार्टी से हैं, और जब दूसरी बार बनते हैं ये 1990 से 1992 के दौरान, तो उस समय ये बीजेपी से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो 11वें नंबर पर सुंदरलाल पटवा 28 डेज के लिए जनता पार्टी से, और इसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है फरवरी 1980 से जून 1980 के लिए, ये 113 दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन रहता है मध्य प्रदेश में, ये सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड वाला प्रेसिडेंट रूल था एमपी में। 12वें नंबर पर अर्जुन सिंह हैं, जो कि जून 1980 से मार्च 1985 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे ये अर्जुन सिंह, बाद में पंजाब के 16वें गवर्नर भी ये बने हैं मार्च नवंबर 1985 में, और फरवरी 1988 से जनवरी 1989 में ये दूसरी बार भी सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के। जब 2-3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल गैस ट्रेजडी की घटना हुई थी, वो इन्हीं के टेन्योर में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री थी यूसीआईएल, और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था। इस यूसीआईएल कंपनी का जो सीईओ था इंडिया में वो वारन एंडरसन था, और इन्हीं अर्जुन सिंह के समय जो है शिव भानु सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के सेकंड डिप्टी सीएम बने थे। जी हां, मध्य प्रदेश के सेकंड डिप्टी सीएम
शिव भानु सिंह सोलंकी जो है वो अर्जुन सिंह के समय बने थे। और इसके बाद 13वें नंबर पर मोतीलाल बोरा मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के 1985 से 88 के दौरान, ये 318 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और बाद में ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं 1993 से 96 के दौरान। कांग्रेस पार्टी के काफी पावरफुल लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के जो है ट्रेजरर खजांची भी ये रहे हैं। और इसके बाद मोतीलाल वोरा के बाद फिर अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1988 से 89 के दौरान। और उसके बाद फिर मोतीलाल वोरा फिर बन जाते हैं जनवरी दिसंबर 1989 के दौरान 318 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर। और मोतीलाल वोरा के बाद फिर श्यामा चरण शुक्ला जो है वो आपको मुख्यमंत्री बनते हैं एससी शुक्ला 1989 से 90 के दौरान। और इसके बाद सुंदरलाल पटवा फिर एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 से 92 के दौरान, 2 साल 285 दिन के लिए बीजेपी से सुंदरलाल पटवा। और इसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है 1992 से 93 के दौरान, ये 355 दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल रहता है। तीसरी बार ये प्रेसिडेंट रूल लगा है मध्य प्रदेश में 1992-93 में 355 दिन के लिए, ये तीसरा सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल रहा है मध्य प्रदेश में। पहला जो रहा था 1977 में वो 54 डेज के लिए था, दूसरा था 1980 में 113 डेज के लिए, और तीसरा जो है 1992 से 93 के दौरान 355 डेज के लिए रहा था। और ये तीन ही बार प्रेसिडेंट रूल अभी तक इम्पोज हुआ है एमपी में मध्य प्रदेश में। इसके बाद दिग्विजय सिंह 14वें मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1993 से 2003 के दौरान रहते हैं, 10 साल ये मुख्यमंत्री रहते हैं लगातार। दिग्विजय सिंह भी काफी कद्दावर नेता रहे हैं, पावरफुल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। आप जानते हैं इनकी पत्नी का नाम आशा सिंह था, वो 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने राज्यसभा टीवी की एंकर अमृता राव से 2015 में शादी कर ली थी। इनके जो पिता थे दिग्विजय सिंह के, बलभद्र सिंह जो है वो राघवगढ़ जो सीट है, राघवगढ़ जो एक स्टेट थी छोटी ग्वालियर स्टेट में, वहां के राजा थे। और इन्हीं दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे इसी दौरान 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हटकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और इन दिग्विजय सिंह के समय सुभाष गंगाराम यादव जो है मध्य प्रदेश के तीसरे डिप्टी सीएम बने थे 1993 से 98 के दौरान, डिप्टी सीएम सुभाष गंगाराम यादव थर्ड डिप्टी सीएम बने थे। और उसके बाद 98 से 2003 के दौरान जो है जमुना देवी जो है चौथी डिप्टी सीएम बनी थी मध्य प्रदेश की। और जमुना देवी जो है इस तरह मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हुई है 1998 से 2003 के दौरान। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है जमुना देवी, जो कि मध्य प्रदेश की चौथी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी थी। और अभी तक कुल 4 डिप्टी सीएम ही हुए हैं मध्य प्रदेश में। 15वें नंबर पर उमा भारती जो है बीजेपी से मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती हैं 2003 से 2004 के दौरान। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की 15वीं मुख्यमंत्री बनती हैं 2003 से 2004 के दौरान। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी उमा भारती जी। ये 2012 से 2014 के दौरान बाद में जो है चरखारी यूपी में जो जगह है सीट है एक, वहां से ये विधायक भी रही हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 2012 से 14 के दौरान। और 2006 में इन्होंने बीजेपी से अलग हटकर एक अपनी नई पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी 2006 में उज्जैन में, और बाद में फिर 2011 में जो है इन्होंने फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। 16वें नंबर पर बाबूलाल गौर जो है 2004 से 2005 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर जी, 1 साल 98 डेज के लिए रहे हैं बीजेपी से। इन बाबूलाल गौर का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। 17वें नंबर पर शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के 2005 से 2018 के लिए, और ये अभी तक कुल 14 साल मुख्यमंत्री पद पर इनको रहते हुए हो गए हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड वाले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिवराज सिंह ही हैं मध्य प्रदेश के। मामा जी के नाम से ये फेमस हैं, बहुत ही राज्य के सर्वाधिक समय तक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये किरार कम्युनिटी के हैं,
ये जो समाज से आते हैं वो किरार समुदाय है। किरार समुदाय के दो लोग ही काफी प्रसिद्ध रहे हैं, एक शिवराज सिंह चौहान जो कि काफी पॉलिटिक्स में आगे रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ के ठाकुर जो है मलखान सिंह थे, वो भी किरार कम्युनिटी के थे, अलीगढ़ के काफी कांग्रेस के लीडर रहे हैं ये। इन्हें अलीगढ़ का केसरी कहा गया है ठाकुर मलखान सिंह को, और अलीगढ़ का शेर भी कहा जाता है ठाकुर मलखान सिंह को, ये भी किरार कम्युनिटी के थे। और 18वें नंबर पर कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 2018 से 2020 के दौरान। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से 1 साल 97 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री रहते हैं 15वीं विधानसभा के दौरान। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा चल रही है 2018 से। और कमलनाथ जो है, इनका कमलनाथ जी का जन्म जो है कानपुर में हुआ था, जो कि 18वें मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान जो है 23 मार्च 2020 से अभी तक जो है तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और इन्हें जो है कुल 14 वर्ष हो गए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के। तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट और जानकारी है चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में मध्य प्रदेश की। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले डिप्टी सीएम वी के सकलेचा रहे हैं, दूसरे जो है एसबी सोलंकी यानी कि शिव भानु सिंह सोलंकी, और तीसरे जो है एसजी यादव यानी कि सुभाष गंगाराम यादव, और चौथे जो है जमुना देवी डिप्टी सीएम रही हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड वाले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिवराज सिंह हैं, जो कि करीब 14 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। और उससे सेकंड नंबर पर दिग्विजय सिंह हैं करीब 10 साल, और तीसरे नंबर पर अर्जुन सिंह जो हैं। शिवराज सिंह बीजेपी से हैं, दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी से चीफ मिनिस्टर रहे हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड वाले चीफ मिनिस्टर जो है यूपी एमपी में वो नरेश चंद्र रहे हैं 12 दिन के लिए, और इससे थोड़ा ज्यादा दूसरे जो है वो भगवंत राव हैं, जो कि 21 डेज के लिए एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे। अभी तक कुल 3 बार मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है, एक 1977 में 54 डेज के लिए जो कि शॉर्टेस्ट है अभी तक का, और दूसरी बार 1980 में 113 दिन के लिए, और तीसरा 1992 से 93 के दौरान 355 डेज के लिए प्रेसिडेंट रूल रहा है। तो कुल 3 बार अभी तक प्रेसिडेंट रूल रहा है। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा प्रेसिडेंट रूल 54 डेज का 1970 में था, और तीसरा वाला जो है 1992-93 में जो हुआ था वो 355 दिन के लिए वो लॉन्गेस्ट है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जानकारी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके बहुत सी परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। थैंक यू, लर्न एग्जाम आपका स्वागत करता है।